कैसे हो? जैन जैन दोस्तों, और बताओ अपना, कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है? फर्स्ट क्लास? तो हम क्या पढ़ रहे थे? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हो गया था हमारा। अब हम क्लाइमेटोलॉजी का एक टॉपिक कवर कर चुके थे, कंपोजिशन ऑफ अर्थ, जो ऊपर अर्थ के ऊपर की पार्ट्स, लेयर्स हम पढ़ चुके थे। पूरे अर्थ के लेयर्स को पढ़ चुके थे, अपर लेयर्स को, स्ट्रेटोस्फेयर, टोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज, एक्सोस्फेयर, सब कुछ हम कवर कर चुके थे। उसके बाद से हम हीट बजट पढ़े हुए थे, जिसको हमने 100 से डिवाइड किया हुआ था, 100 टोटल लिया हुआ था, फिर 35, फिर 65, फिर 17 क्लाउड डायरेक्टली, फिर बचा कितना, 34, तो उसको डिवाइड किए थे कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन और कन्वेक्शन से किए थे। ये सब चीज़ें आपकी क्लियर थी कल तक की, जो तो चीज़ें आप एक लेक्चर्स में देखे हो, जो प्रीवियस लेक्चर है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज का जो टॉपिक है वो आपका है विंड्स एंड इट्स टाइप, ठीक है ना? विंड्स क्या होता है, कैसे चलता है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, लोकल विंड्स, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आज हम विंड्स और विंड्स टाइप पढ़ेंगे। ये कैसे होता है इसको देख लो। जो विंड होता है वो, मान लो यहां पे सन है, यहां पर सन है और यहां से विंड आ रहा है, ठीक है? यहां पर क्या हो गया है, ये हो रहा है एडक्शन। जो वेव, जो एयर जो है वो आपका, जो एयर आपका हॉरिजेंटल चलता है। कैसे चलता है? हॉरिजेंटल। और फिर ये विंड डायरेक्शन होता है, ये इससे जाता है, फिर यहां से ये यहां पर अर्थ पर लेयर पर आता है और फिर ये ऊपर चला जाता है। यहां पर लो प्रेशर एग्जर्ट होता है और ये जो है यहां पर क्या होता है, कन्वेक्शन। यहां पर क्या होता है, कन्वेक्शन होता है और ये वर्टिकल के रूप में ऊपर चला जाता है। तो ये नॉर्मल नॉर्मल मैंने आपको बता दिया, क्या ये आपका एडक्शन हुआ किधर, हॉरिजेंटल। और जब ये आगे मूव करता है विंड डायरेक्शन में, ये मूव करता है, तब ये क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाता है, क्योंकि लाइट हो जाता है। जब गर्म हवा होती है तो नीचे प्रेशर और ये लाइट वेट हो जाता है, तो ये ऊपर चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लो कि हम एग्जॉस्ट कहाँ लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैन कहाँ लगाते हैं, हम ऊपर ही तो लगाते हैं। कहीं भी देखो तो एग्जॉस्ट फैन ऊपर ही लगा होता है, नीचे तो लगा नहीं होता कहीं। तो ऊपर वार्म एयर ऊपर ही रहती है, तो वो पूरी वार्म एयर को रिली बाहर निकाल देता है, तभी हमारा रूम कूल हो जाता है। अब नीचे एग्जॉस्ट लगा के देख लेना, कहीं भी एग्जॉस्ट नीचे लगा है क्या, बताओ? ऐसा कोई ऐसा है जिसके घर में नीचे एग्जॉस्ट फैन लगा हो? सब में ऊपर लगा होता है, किचन में लगाओ, रूम में लगाओ, हॉल में लगाओ, कहीं भी लगाओ, वो ऊपर ही लगा होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर लगेगा तो वार्म एयर ऊपर जाता है। किस डायरेक्शन में ये जाता है आपका, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर। क्या होता है, कन्वेक्शन होता है और वही निकल जाता है बाहर। चलो अब इसका क्या पढ़ेंगे, हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये चीज समझ गए आप, ये चीज कि ऊपर जैसे हमारा एक एग्जॉस्ट फैन लगता है, सेम प्रोसेस एयर पे भी होता है नॉर्मल। वो एक लोकल भाषा में हम समझने के लिए उस चीज को बता दिए और उससे आपको समझ ज्यादा आएगा, क्योंकि जब चीजों को आप एक दूसरे से कनेक्ट करोगे ना तो समझ आएगा। अब विंड की बात करेंगे तो आप देखो, अब कोई ये ना बोलो कि एसी कहां लगा, ये नहीं, वो मैं एग्जॉस्ट की बात कर रहा हूं, वार्म एयर की बात कर रहा हूं, जो ऊपर लगा होता है, नीचे नहीं लगा होता है, ठीक है? क्योंकि गर्म हवा ऊपर ही होती है। चलो अब आगे क्या पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। जब इसे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका रोमेंट विंड, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी विंड, इसी को हम बोलते हैं प्लेनेटरी विंड, जो पूरे प्लेनेट पे चलता है। किसपे? पूरे प्लेनेट पे चलता है। ठीक है ना? तो ये आपका प्लेनेटरी विंड। फिर आपका जो है एक प्रिवेलिंग विंड, प्रिवेलिंग विंड,
ये सब एक ही का नाम है, किसका? विंड्स का, यही विंड्स का नाम है। पहला कन्वेंट विंड, प्राइमरी प्लेनेटरी, और ये पूरे प्लेनेट पे चलता है, पूरे प्लेनेट पे चलता है, जितनी भी प्लेनेट सिस्टम हमारी है पूरी प्लेनेटरी सिस्टम पे ये चलता है। लिखो मत, फिर मैं बोल रहा हूँ लिखो मत, आप लोग चीजों जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सुनोगे तभी, ये कान दोनों खोल के सुनो, क्योंकि ये देखो सीरियस टॉपिक चलती है पूरी ज्योग्राफी, हर ये सीरियस टॉपिक चलती है तो उसको एकदम ध्यान से सुनना चाहिए। आइए मैं विंड पढ़ा के निकल जाऊंगा, फिर आगे आपको समझ नहीं आएगा, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज, आगे मैं पोलर ईस्टर्लीज सब मैं बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा आपको, तो समझो इस चीज को, क्या सुनो ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, ये ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज इसी में आती है, किसमें? इसी में आपकी ट्रेड विंड्स भी आती है। ट्रेड विंड्स में क्या है, आपकी ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज ना। अब चलो आगे, आगे क्या देखते हैं, आगे में आपका सेकेंडरी वेव है, सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव और पीरियोडिक वेव्स, विंड्स। क्या क्या है आगे आपकी सेकेंडरी और पीरियोडिक वेव, इसमें जो है सीजनल वेव आती है, कौन सी वेव आती है? सीजनल वेव आती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे मॉनसून इंडिया में हो वो इसी में आएंगे, किसमें आएंगे? सेकेंडरी और प्राइमरी वेव में इंडिया के मॉनसून आएंगे, मॉनसून आने वाला ही होगा, जून से स्टार्ट हो जाता है, तो किसमें आएंगे? सेकेंडरी एंड पीरियोडिक विंड्स में आएंगे, ठीक है। फिर आगे चलो, इसमें ही आपके आएंगे लैंड ब्रिज भी आएंगे, आपके सी ब्रिज भी आएंगे, कौन कौन से आएंगे? लैंड ब्रिज भी आएंगे और सी ब्रिज भी आएंगे। फिर उसके बाद से लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज इसी में आते हैं, किसमें? चार आते हैं, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज एंड मॉनसून, किसमें आता है? सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड्स में। आगे चलो, लोकल विंड्स में क्या होता है? लोकल विंड्स, लोकल विंड्स में क्या आता है? लोकल विंड्स में आपका एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है ये लोकल विंड्स, लोकल विंड्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है ये कि चिनू कहां का है, लू कहां का है, डायरेक्टली पूछ देता है, तो हम क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये स्मॉल एरिया में आता है, ठीक है, ये स्मॉल एरिया में आता है, और ये जो है जैसे एग्जाम्पल समझ लो लू, फिर आपका हो गया मिनिस्ट्रियल, फिर आपका बोरा। जब मैं लास्ट में एंडिंग दूंगा इस टॉपिक को तो उसमें लोकल विंड्स के नाम क्लासिफिकेशन आपको बता दूंगा, पूरा क्लासिफिकेशन आपका लोकल विंड्स का मैं बता दूंगा। चलो अब आगे देखते हैं क्या है, ये स्मॉल एरिया में आती हैं लू और मिस्ट्रियल और बोरा, अल्टीमेट ये लास्ट में ये मैं इस चीज को बता दूंगा, पूरे विंड्स को लास्ट में बता दूंगा। अब चलो एक लिस्ट में बताता हूं, बताया हूं कि आपको एक लिस्ट दे दूंगा, यहां मैं बता दूंगा, डिस्क्राइब कर दूंगा और पॉइंट टू पॉइंट वही चीज आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी और प्राइमरी विंड्स की, बात करेंगे किसकी? प्राइमरी विंड्स की। प्राइमरी विंड्स बोलो यार, प्रिवेलिंग विंड्स बोलो, प्राइमरी विंड्स बोलो या प्रिवेलिंग विंड्स बोलो, अब उसी की बात करेंगे, ठीक है। चलो ये क्या होता है, ये प्लेनेटरी विंड भी होता है आपका, ठीक है ना, और ये ओवर कॉन्टिनेंट और ओशियन पे होता है, किधर? ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। क्यों क्यों होता है ये दोनों पे? इसलिए दोनों पे होता है क्योंकि ये प्लेनेटरी विंड है और प्लेनेट के अंदर ही आपके सब आते हैं, कॉन्टिनेंट भी आते हैं और ओशन भी आते हैं, दोनों आते हैं ना, कि प्लेनेट के अंदर नहीं आते, अर्थ के अंदर दोनों है कि नहीं, ये बताओ, अर्थ है, ये अर्थ है, इसके अंदर क्या क्या है बताओ, इसके अंदर दोनों है ना, क्या क्या था याद है? 78 कल ही बताया था, 21 1% अदर गैसेस, इसमें क्या था? पूरा पानी होता है,
पानी और कॉन्टिनेंट दोनों है ना इसमें, है बात समझ में आ रही है? तो जब दोनों है तो ये विंड प्राइमरी विंड, ये प्लेनेटरी विंड क्यों बोलते हैं? अब समझ आया? अब क्लियर हुआ क्यों बोलते हैं इसको? और ये जो है आपका सिग्निफिकेंट विंड है, क्या है? सिग्निफिकेंट विंड। किसके लिए? क्लाइमेट के लिए एंड ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, क्लाइमेट के लिए और ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। क्या क्या है? ट्रेड विंड्स एंड वेस्टली विंड अलग होता है वेस्टली विंड्स। ठीक है, ये समझ में आई? अब इसको हम एक मैप के थ्रू देख लें। चलो देखो ये क्या है वेस्टलीज, ये क्या है पोलर स्टलीज, ये भी पोलर स्टलीज, दोनों पोल, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ क्या कैंसर कैप्रिकॉन, समझ आ गया? अब इसमें जो है इक्वेटर हो गया, ये था ना। अब जब मैं आपको स्टार्टिंग में जब मैं आपको बताया था पूरे वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन, तो ये मैप आपको उस टाइम बताया था ना, 0 डिग्री क्या है, 30 डिग्री क्या है, कितने डिफरेंस पे होता है, टाइम जोन कैसे बदलता है, 15 डिग्री पे टाइम जोन बदलता है, बताया था। तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे वेस्टर्लीज ऐसे होती है, इस तरीके ईस्टर्लीज ट्रेड विंड्स ऐसे जाती है, डेजर्ट में ऐसे होती है ट्रेड विंड्स, उसके बाद से वेस्टर्लीज पोलर ईस्टर्लीज, मीन्स जहां से ओरिजिन होता है, जहां से ओरिजिन होता है वहीं से उसका नाम, इस विंड का नाम वहीं से रखा जाता है, कहां से? जहां से ओरिजिन होता है। अब ये ओरिजिन हो रहा है ट्रेड विंड्स का किधर से? ईस्ट विंड, नॉर्थ ईस्ट से हो रहा है, तो ये नॉर्दर्न ईस्ट ट्रेड विंड्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आगे चलो देखते हैं क्या, अब आगे देखेंगे हम ट्रेड विंड्स, स्टार्ट कर देना ट्रेड विंड के साथ। अब तो मान लो अभी ऐसे आपको मैं ब्रीफिंग दे रहा था, अब ब्रीफिंग के साथ साथ अब ये सोचो अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गया आपके हर सब टॉपिक्स का, ठीक है। तो अब आगे चलो देखेंगे ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स में क्या है, ये जो है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में होता है। देख लो एक बार, ये ठीक है ना। अब इसमें जो है आपका कितना होता है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, इधर नॉर्थ हो गया इधर साउथ हो गया, तो इसकी रेंज कहां तक होती है? इसकी रेंज होती है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक, ठीक है। फिर ये जो है फ्लो करता है, ये जो है आपका फ्लो करता है कहां से? ये फ्लो करता है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, किधर? नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में। और कहां करता है ये? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, किधर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, किधर करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहां से कहां तक? 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, किधर से? ये आपका करता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से लेके इक्वेटोरियल लो प्रेशर तक, ठीक है। उसके बाद से जो है आपका इसमें, जैसे मान लो कि एक चीज सोचो, एग्जाम्पल के थ्रू सोचो कि विंड तो सीधी होनी चाहिए, विंड तो सीधी होनी चाहिए ना, ऐसे होनी चाहिए, चाहे कोई भी विंड हो सीधी होनी चाहिए, लेकिन ये क्यों डाइवर्ट है, क्यों डाइवर्जन हुआ है? क्योंकि इसमें जो फोर्स लगा है ये आपका लगा है कोरियोलिस फोर्स। कौन सी फोर्स? कोरियोलिस फोर्स। एंड
कोरिओलिस फोर्स के अलावा और एक लगा है फेरल लॉ। कौन कौन सी फोर्स लगे? कोरिओलिस फोर्स और फेरल लॉ। कैसे? क्योंकि ऐसे ये डाइवर्ट हो रहा है ना, ये या डाइवर्जन हो रहा है। देखो ऐसे सोचो कि ऐसे विंड है और हो जा रही है ऐसे, तो यहां पर फोर्स लग रहा है कौन सा? कोरिओलिस फोर्स या फेरल लॉ। और ये जो होता है ट्रेड विंड, ये जो होता है आपका डिसेंडिंग में होता है, डिसेंडिंग एंड स्टेबल होता है। क्या होता है? डिसेंडिंग एंड स्टेबल। एरिया ऑफ ओरिजिन से लेके कहां से, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वहां से, जहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से, स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं पर डिसेंडिंग और स्टेबल विंड्स एरिया में ही इसकी ओरिजिन होती है। कहां पे? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर आपको बताइए। उसके बाद से जब ये इक्वेटर पे रीच करता है, जब ये इक्वेटर पे रीच करता है, इक्वेटर ये देखो इसमें ही देख लो, इक्वेटर पे जब ये रीच करता है तो ये वहां पर क्या करता है, वहां पर ह्यूमिड हो जाता है और वार्मर, वहां से पानी उठाता है। कहां पर? जब ये इक्वेटर पर आता है तब। बात समझ में आ गई? पॉइंट समझ में आ गए? क्या क्या? सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटर लो प्रेशर तक करता है। कितना तक? 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक करता है। ठीक है, डाइवर्जन, ये डाइवर्ट किससे होता है? कोरिओलिस फोर्स और फेरल लॉ के थ्रू ये डाइवर्ट होता है अपने पाथ से, अपने एरिया से। स्ट्रेट नहीं होता, ये टिल्ट हो जाता है। ठीक है, और इक्वेटर पर क्या करता है? ये पानी उठाता है। कौन सा? ट्रेड विंड। तो ये समझ में आ गया इक्वेटर। अब चलो इसमें एक चीज और समझ लो कि जब ट्रेड विंड्स जो है ना वो टू हेमिस्फीयर और वो जो इक्वेटर पे मीट करती है, क्या टू हेमिस्फीयर जब वो इक्वेटर पे मीट करती हैं, इक्वेटर को वो मीट करती हैं, तो इससे क्या होता है? इससे जो आपका होता है कन्वर्जन। मींस इक्वेटर यार गर्म है, गर्म है ना, इक्वेटर गर्म है और यहां पे राइजन होगा, और जैसे यहां पे विंड की राइज, अगर विंड राइज हुआ तब यहां पर क्या होगा? हैवली रेनफॉल होगा। इक्वेटर पे ऑल टाइम 2 से 4 बारिश होती ही होती है। क्यों? क्योंकि 2 ट्रेड विंड्स, 2 ऐसे ईस्ट, ऐसे मान लो ईस्ट विंड, नॉर्थ ईस्ट विंड्स और साउथ ईस्ट विंड्स, ये दोनों यहीं पर जाके मिलती हैं, और जैसे यहां पे मिलती हैं वैसे यहां पर कन्वर्जेंस होता है, और कन्वर्जेंस के कारण। अब चलो ये चीज हो गया, अब हम क्या देखेंगे? वेस्टर्लीज। अब हम देखेंगे वेस्टर्लीज। ये सब समझ आ गया था ना? चलो आओ, वेस्टर्लीज में क्या है, ये कहां से कहां तक होता है? ये होता है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहां से जाती है? ये जाती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। कहां से कहां तक होती है? ये होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से लेके सब ट्रॉपिकल सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक होती है। ठीक है, उसके बाद से अब जैसे इसका, इसको देख लो एक बार फिगर के थ्रू, इसको समझो। ठीक है, अब इसकी, इसके भी एंगल्स थे ना, जैसे उसके 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक, किसके? ट्रेड विंड्स के। इसके आपके होते हैं 40 डिग्री साउथ से लेके 65 डिग्री साउथ लेटिट्यूड तक। ठीक है, ऐसा समझ में। फिर जो है इसके लेटिट्यूड ऑफन करते हैं, जिसमें ये कुछ विंड्स के नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे कुछ टर्म्स हैं, रोअरिंग, रोअरिंग बॉडीज, फ्यूरियस 40s, 50s, ठीक है ना, ये चीजें कहां से कहां तक होती हैं? ये वेस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज आपकी होती हैं 40 डिग्री साउथ से लेके 65 डिग्री साउथ तक। कहां से कहां तक होती हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक। और ये जो विंड होता है आपका, ये होता है विट स्पिल करती है। क्या होता है? विट स्पिल करती है, और ये वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी
करती है किसमें? वेदर में। वेरिएबल आती है ना वेदर में, कौन सी? वेस्टलीज। अरे ह्यूमिडिटी होती है ना, ह्यूमिडिटी क्या होती है बताओ? ह्यूमिडिटी क्या होती है? बारिश होती है, बारिश होती है ना। बारिश होने के तुरंत बाद क्या हमको ठंडा मिलता है? जैसे जब रेगुलर बारिश होती है उसमें तो हमको ठंडा, हाँ ठीक है, क्योंकि बार बार एयर कूल होता है, बट इसमें क्या होता है? हमारे अर्थ सरफेस क्या है? वार्म है। जैसे इक्वेटर ही समझ लो, इक्वेटर क्या है? हमारा वार्म है। और उसमें क्या होता है? उसमें एयर एक्सर्ट करती है, ऊपर से एयर आती है और यहीं पर लगती है और फिर ऊपर जाती है। और जैसे वार्म एयर ऊपर जाता है वैसे वहां पर क्या होता है? बारिश, हैवली रेन होता है। सेम प्रोसेस ह्यूमिडिटी में भी होता है, बारिश होती है हमको पूरी गर्मी लगती है। कभी कभी ये देखो देखो चीजें, कभी कभी हम लोग बैठते रहते हैं इतनी गर्मी लगती है, कह रहे यार इतनी गर्मी गर्मी, उमस है उमस है। उमस क्या है? ह्यूमिडिटी। क्यों? जैसे बारिश होगी वैसे लोकल विंड्स वार्म विंड्स ऊपर जाएंगी और बारिश कराएंगी। आप ये चीज समझ गए? कहां से कहां तक था 40 डिग्री, कहां से कहां तक था इसके पहले वाला 40-65, ठीक है, क्लियर हो गई। और ये विंड में वेरिएशन करता है, ठीक है। अब चलो ट्रेड विंड्स पढ़ लिए, वेस्टर्लीज भी पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे पोलर ईस्टर्लीज। अब पोलर वाली बात करेंगे, ठीक है। पोलर ईस्टर्लीज में क्या होता है? ये होता है ड्राई होता है, कोल्ड होता है, और ये प्रिवेलिंग प्रिवेलिंग विंड्स होता है। कहां से कहां तक होता है? ये आपका होता है नॉर्थ ईस्ट से लेके टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कहां से कहां से? नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। फिर ये कहां होता है? ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में कहां से कहां तक होता है? ये साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट से लेके, साउथ ईस्ट से लेके आपका होता है नॉर्थ वेस्ट तक, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि यार पोलर यहां पर भी है ना और यहां पर भी है, देखो पोलर यहां पर भी है, यहां पर भी है ना, तो जैसे पोलर ऊपर है और नीचे है, तो उसी तरीके से ये ड्राई कोल्ड प्रिवेलिंग विंड होता है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कब चलता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। कहां पर? साउथ वेस्ट। जैसे मेरे साथ साथ बोलो, कहां से? नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां से चलता है? साउदर्न ईस्ट से लेके आपका चलता है नॉर्दर्न वेस्ट तक, ठीक है। कहां से? साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक चलता है। कहां पर? साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। फिर आगे चलो, ये जो होता है आपका पोलर, कहां से कहां तक होता है ये पोलर, ये ब्लो कहां से करता है? ये आपका ब्लो करता है, मैं बताता हूं, इसको पहले रब कर देता हूं, ये आपका होता है पोलर हाई प्रेशर से, कहां पे ब्लो करता है ये? ये आपका ब्लो करता है पोलर हाई प्रेशर से, सब पोलर विंड्स तक, सब पोलर ब्लो करता है, सब पोलर। कहां से? पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो पर, ठीक है। तो ये क्या थी? ये हमारी थी पोलर ईस्टर्लीज। क्या थी? पोलर ईस्टर्लीज। तो हमने क्या पढ़ ली? हमने प्राइमरी वेव्स पढ़ ली, प्लेनेटरी वेव्स भी इसको बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी वेव, समझ में आ गई? अब हम चलो किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे आपकी सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड्स की, जिसकी वजह से आपकी लोकल विंड्स होती हैं, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, वैली, माउंटेन ब्रिज। तो इसमें क्या क्या आते हैं चलो देखो। ये तो फिगर के थ्रू आपको मैंने बता ही दिया था, देख लिए थे इसके पहले वाला फिगर। चलो आ जाओ सेकेंडरी वेव्स।
इसमें जो है आपका ये चेंज दिया डायरेक्शन, चेंज दिया डायरेक्शन, ये विंड चेंज क्या करता है डायरेक्शन को, और इसी की वजह से चेंज इन सीजन होता है, होता है नहीं होता था? अभी कैसे चल रहा है मौसम, गर्मी ठंडा बरसात होता है, क्या क्या होता है, समर समर विंटर और इसी के बीच में रेनी होता है। आज क्यों के लिए रेनी है, गर्मी में कुछ नहीं होता है, सही बात। बहुत मार मारूंगा यहीं से, बहुत मार मारूंगा एनडी वालों, ठीक है, ये सब नहीं सोचने का। रेनी किसके लिए है देखते हो ना, छम छम बरसा पानी है, कौन सा मूवी था, किसमें था, जितने भी बरसात के मौसम आए हैं, मौसम मौसम मत देखो, यहाँ पर टॉपिक पढ़ो, ठीक है। क्या क्या कौन सा वेदर होता है हमारे इंडिया में, समर होता है, रेनी होता है और विंटर सीजन होता है। तो रेनी में बहुत मजा आता है, क्यों, क्योंकि जैसे समर इक्वेटरल, जैसे इक्वेटर पे समर होता है, तो वैसे जैसे विंड्स की मॉड्यूलेशन होती है वैसे वेदरिंग चेंज होती है। अभी बहुत गर्मी है, बहुत बेचैनी है यार, गर्मी है ये करो वो करो, बरसात आता है बरसात से हम परेशान हो जाते हैं, बरसात अरे यार ठंडी आ जाए, तो भाई ह्यूमन नेचर है, जैसे परेशान होना ही होना है, हैं? बरसात यानी कौन कौन सुनता है बताओ, हैं? बरसात के मौसम आए, हैं? रिमझिम पानी, हैं? और कौन सा एक मूवी था, कोई मूवी था ना ये नाना पाटेकर का, और कोई उसमें थे ब्रिगेडियर साहब, तिरंगा, आओ पी लो जाम लगा लें, किस मौसम में था, बरसात में ही था ना, तो बरसात बहुत खतरनाक मौसम होता है, ठीक, उसी की वजह से कौन सा था, किसकी बात की थी, वेस्ट इंडीज की, कौन सा, इक्वेटर पे क्या होता है बरसात, कब होता है, हैवली रेन कब होता है, क्योंकि वहां पर वार्मिंड अप हो जाती है, कितना तक था, 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ, करेक्ट कर पा रहे हो चीजों को, चलो आगे, ये हो गया। अब इसमें ही आपका आएगा क्या, इसके एग्जांपल्स को समझ लो, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, उसके बाद से आपका एयर मासेस, किसमें आते हैं, ये आपके आते हैं एयर मासेस, किसमें आते हैं एयर मासेस आपके आते हैं सेकेंडरी विंड्स में, और इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक विंड्स। आप कहीं क्वेश्चन में पेपर देते आपके सेकेंडरी वेव्स, तो उसके साथ साथ अगर मान लो सेकेंडरी वेव नहीं लिख के आए, तो अगर पीरियोडिक वेव लिख के आए, तो ये समझ लेना आप कि इसमें आपके सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, वैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन और एयर मासेस, बात बराबर है, समझ आ रही है, ये किसमें आती है सेकेंडरी। तो अब इसके अंडर, अब चलो सेकेंडरी विंड्स देख लिए, अब इसके अंडर जो जो चीजें आती है उसको हम देखते हैं, किसको सबसे पहले किसको देखेंगे, मानसून को, आओ मानसून देखते हैं। मानसून देखो यार, ये एक मोशिन वर्ड से बना हुआ है, ये अरेबिक वर्ड है, मानसून वहीं से लिया गया है, और ये जो होता है आपका सीजनल रिवर्सल विंड है, क्या है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, क्या क्या है, सीजनल रिवर्सल विंड डायरेक्शन, ठीक है, बात समझ में आई। इसमें जो यार देखो मेनली चीजें ही है ना, ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज ही है, मेन कॉन्सेप्ट वही है, किसका, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का, लार्ज स्केल पे बस, और कुछ नहीं है, लार्ज स्केल पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का ही खेल है, और कुछ नहीं, ठीक है। और यार ये डाइवर्ट कैसे होता है, डाइवर्ट बताया था ना, कौन कौन से फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स एंड फेरल लॉ, क्या था, फेरल लॉ और कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। फिर जो ये है, ये समर में
जो ट्रेड विंड है ये साउदर्न हेमिस्फीयर से, किससे? साउदर्न हेमिस्फीयर से ये पुल्ड आउट होता है नॉर्थ विंड की तरफ। साउदर्न हेमिस्फीयर से कहां पुल्ड होता है? नॉर्दर्न डायरेक्शन में, ठीक है ना, नॉर्थ विंड डायरेक्शन में ये पुल होता है। और इंस्टेंट ये इंडिया में कैसे होता है? ये लो प्रेशर, इंडिया में लो प्रेशर कोर होता है। कहां पर लो प्रेशर कोर होता है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। और इसी के वजह से मॉइस्चर गेन करेगा और हैवली रेन होगा इंडिया में। क्या होगा? हैवली रेन इंडिया में, हैवली रेन होगा और इसके नेबरिंग कंट्रीज में भी होगा इसी के वजह से, ठीक है ना। बात समझ में आई? चलो आओ देख लो एक बार फिगर के थ्रू इसको। समर से एंट्री कर रहा है, विंटर से यहां से एंट्री कर रहा है, तो विंटर मानसून ये हो गया और साउदर्न समर मानसून ये हो गया। विंटर मानसून कब होता है आपका? विंटर मानसून होता है जैन में आ जाता है, जनवरी में, जनवरी में आता है, फेब में आता है, और समर में आपका स्टार्ट हो जाता है 15 जून से। और इसका एग्जांपल देखोगे आप तो इसमें जो है आपकी विंड्स जो फ्लो करती है इंडिया में भी फ्लो करती है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, उसके बाद से आपका श्रीलंका के बाद ये करती है अरेबियन सी में, फिर ये करती है बे ऑफ बंगाल में, फिर बे बंगाल के बाद ये करती है साउथ ईस्टर्न एशिया में, किधर? साउथ ईस्टर्न एशिया में, फिर ये एशिया में करती है साउथ ईस्टर्न एशिया में, फिर ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में करती है, चाइना में करती है, जापान में करती है, ठीक है। उसके बाद से ये जो है मॉनसून, जब हम इंडिया की वेदर पढ़ेंगे, जब हम इंडिया की वेदर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे तरीके से पूरे मॉनसून को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहां पर ब्रीफ है, ब्रीफ क्या, यहां पे नॉलेज है। उसके बाद से ये चीजें अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी कि नॉर्दर्न साउदर्न से आ रही है, फिर नॉर्दर्न साउदर्न से आ रही है, फिर साउदर्न से ऊपर जा रही है, फिर ये कोरवोलिस फोर्स के कारण ये डाइवर्ट हो रही है, तभी यहां से मान लो कि यहां से ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है, मान लो यहां पर ये इंडिया का मैप है, यहां से पानी उठाया बे बंगाल से, जैसे बंगाल बंगाल से पानी उठाया तो यहां इसको नीचे जाना चाहिए, बट यहां पे कोरियोलिस फोर्स लगा और ये जाके तमिलनाडु में बारिश कर देगा। समझ आ गई? क्यों? क्योंकि यहां पर कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स के कारण, ठीक है। आउटसाइड इंडिया में सिटी कंट्री में चाइना जापान में भी आते हैं, किसमें? चाइना जापान में भी आते हैं, जापान एंड चाइना में विंटर मानसून स्ट्रांगर होते हैं, विंटर मानसून स्ट्रांगर होते हैं समर मानसून के कंपैरिजन में। क्या? विंटर मानसून स्ट्रांगर होते हैं समर मानसून के कंपैरिजन में। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं किसकी, अब कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है ना। चलो फिगर के थ्रू इसको देखते हैं, लैंड ब्रिज सी ब्रिज। देखो मेनली ये है ना कि विंड कहां से फ्लो करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, कहां से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड फ्लो करता है। ये बस माइंड में आप एक बार क्लियर कर लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार इसको विंड के केस में बता देता हूं, जैसे देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब ये चीजें फॉलो करेंगे आपकी सी ब्रिज में और लैंड ब्रिज में। आओ चलो देखो ये क्या है, यहां पे कौन सा प्रेशर है? ये सी ब्रिज, ये पहले डे का कॉन्सेप्ट समझो, पहले डे वाला कॉन्सेप्ट। तो डे में यहां पर क्या बन रहा है? यहां पर हाई प्रेशर बन रहा है और यहां पे क्या बन रहा है? लो प्रेशर बन रहा है। क्यों? क्योंकि दिन में अर्थ जो लैंड है ज्यादा जल्दी गर्म होता है और सी जो है लेट गर्म होता है, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर लो प्रेशर बनेगा और वो हीट ये क्या होंगी? ये आपकी ऊपर जाएंगी यार। तो कहां से जाएंगी?
ये ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यही कॉन्सेप्ट आपका क्या है, सी ब्रिज। ये किसका कॉन्सेप्ट है आपका, लैंड ब्रिज, सॉरी ये आपका सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। ये क्या है आपका, ये आपका सी ब्रिज है। क्यों, क्योंकि ये सी से एयर आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम सी ब्रिज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर पे जाता है, किसमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड जाता है, और डे टाइम में अर्थ सरफेस जो लैंड है वो जल्दी हीट होता है और वार्म एयर अप हो जाता है, लाइटर होता है, अप हो जाता है। उसी के कारण आपका जो है यहां पर कॉन्सेप्ट बनता है किसका, डे में सी ब्रिज का, क्योंकि वाटर वहीं से जाता है, एयर वहीं से मूव करता है। फिर अब क्या हुआ, रात का समय, नाइट, नाइट में कहां से जाएगा, नाइट में आपका लैंड से जाएगा। तो जैसे ही लैंड से यहां पर हाई प्रेशर हुआ और यहां पर लो प्रेशर, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लैंड ब्रिज, क्योंकि विंड जो है लैंड से ही जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर यहां पर और यहां से इधर जाएगा, यहां पर ऐसे और इससे ऐसे जाएगा, तो ये आपका सी ब्रिज और ये आपका लैंड। अब चलो इसमें थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, इसको ब्रीफ तरीके से। ये हो गया आपका, मान लो ये हो गया आपका लैंड ब्रिज और ये हो गया आपका सी ब्रिज। इसमें क्या होता है, नाइट के टाइम में, किधर, लैंड ब्रिज में, नाइट के टाइम में क्या होता है आपका, कूल एयर ऑन लैंड हाई प्रेशर क्रिएट करता है। कूल एयर क्या करता है, हाई प्रेशर क्रिएट करता है, और इसमें वार्म एयर लो प्रेशर क्रिएट करता है। कब, डे टाइम में, किधर, सी ब्रिज में। फिर इसमें कहां से कहां तक एयर ब्लो करता है, इसमें ब्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अभी तो बताया ना मैंने, देखो अभी तो बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसमें कहां से करता है, इसमें करता है आपका, इसमें भी करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन इसमें कहां से करता है, इसमें करता है आपके लैंड से सी तक, और इसमें कहां से करता है, इसमें करता है सी से लैंड। समझ में आ गया। अब चलो देखते हैं वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। आओ, वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज, पहले आप यहां पर भी वही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड फ्लो करती है। चलो फिगर के थ्रू समझो, ये डे टाइम का है और ये आपका नाइट टाइम का। पहले आप डे टाइम का समझते हैं। डे टाइम पे सन यहीं पर आएगा, रेज किधर, पूरे पिक पर आएगा, आएगा ना, पूरे पिक पर आएगा। इस पे आएगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका बनेगा लो प्रेशर, बनेगा कहां, बनेगा पिक पर, और नीचे क्या बनेगा आपका, हाई प्रेशर, यहां पर बनेगा लो प्रेशर। तो विंड यहां से ऊपर जाएंगे वैली से, ये वैली है, नीचे क्या है, वैली, वैली से ऊपर जा रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो हम इसी को बोलेंगे आपका वैली ब्रिज, वैली ब्रिज इसी को बोलेंगे। फिर नाइट टाइम क्या होगा कि ये पूरा कूल हो जाएगा, हो जाएगा कूल, कूल हो गया, तो यहां पे जैसे ये कूल हुआ यहां पर बन गया हाई प्रेशर, और यहां पर क्या है, कूलिंग माउंटेन, यहां पर आपका लो प्रेशर। तो यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, जैसे हाई प्रेशर से लो जाता है, माउंटेन से एयर नीचे जा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं माउंटेन वैली। समझ आ गया कॉन्सेप्ट, वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। अभी तक सुने होंगे आप लोग लैंड ब्रिज और सी ब्रिज ही, लेकिन आज एक नया नाम सुने ना, वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज, तो आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो सीधे तरीके से आप इस चीज को कर पाओगे, किसको, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज। अब हम बात करेंगे टर्सरी और लोकल विंड्स की, किसकी, टर्सरी और लोकल विंड्स की। आगे चलो, अब इसमें क्या आता है, टर्सरी और लोकल विंड्स में क्या आता है,
इसमें होता है, इसका लोकल डिफरेंस होता है, ऑफ टेम्परेचर, लोकल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, लोकल विंडो टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोड्यूसेस लोकल विंड्स। समझ गए? ये जो होता है सच विंड्स, कुछ विंड्स जो ऐसी होती हैं जो कन्फाइंड होती हैं, कुछ विंड्स ऐसी होती हैं जो कन्फाइंड होती हैं लोकल में, किधर? लोएस्ट पार्ट में, लोएस्ट लेवल ऑफ किधर? ट्रोपोस्फेयर, लोकल लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर में ये बहती है। अब एक चीज समझ के बताओ कि जब मैं आपको आगे की चीजें पीछे वाले क्लास में बताया था ट्रोपोस्फेयर, तो ये चीज समझ आ गई ना? ट्रोपोस्फेयर का नाम सुने तो ये चीज आ गई, विंड कहां से कहां तक? विंड आपकी कहां होती है? लोकल विंड, टर्शियरी विंड कहां फ्लो करती है? ये आपकी फ्लो करती है लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर में। तो इसका हम नेम देखेंगे, क्या क्या नेम है। यहां पे लू चलता है, इंडिया में चलता है, ऐसे कुछ जो नाम है लोकल और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जो नाम है उसको हम देखेंगे कहां कहां ये फ्लो करता। अब ये लू देख लिया आपने, लू, अब चलो दोनों, अब लू स्टार्ट करते हैं और चिनुक, दोनों से स्टार्ट करते हैं। लू कहां कहां होता है? लू ये होता है आपका नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कभी कभी ज्यादा गर्म होता है और ड्राई विंड भी होता है, ड्राई विंड भी होता है, ठीक है। ये ब्लो करता है किधर से? वेस्ट से। किधर से ब्लो करता है? वेस्ट से। किस मंथ में करता है? मई में करता है और जून में करता है, ठीक है। और कब करता है? आफ्टरनून में, आफ्टरनून में करता है। इसी को बोलते हैं लू, इसी को क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। और ये जो होता है 45 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ये सन स्ट्रोक कर देता है आदमियों को, सन स्ट्रोक मारता है, इसी से सन स्ट्रोक होता है। क्या क्या होता है, कहां कहां चलता है? नॉर्दर्न इंडिया में और पाकिस्तान में, हमारी नेबरिंग कंट्रीज किसमें? पाकिस्तान में, ठीक है। क्या होता है? ये गर्म होता है और ये ड्राई होता है। किधर से चलता है? वेस्ट से चलता है। कितने डिग्री से? 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक। क्या होता है इसे? सन स्ट्रोक होता है। ये एक होता है आपका चिनुक, चिनुक क्या होता है? ये होता है आपका बेनिफिशियल विंड। ये कहां होता है? आपका यूएसए में होता है एंड कनाडा में। और कहां से करता है? ये मूव डाउनवर्ड्स होता है, मूव डाउनवर्ड्स स्लोप की तरह, किधर? रॉकीज, रॉकीज माउंटेन, स्लोप ऑफ रॉकीज माउंटेन। और इसी को बोलते हैं हम चिनुक, इसी को क्या बोलते हैं? चिनुक। तो अब ये नया विंड, अब चिनुक और वो देख लिया हमने, लोअर चिनुक देख लिया, अब चलो देखते हैं फोन और फोन्स। इसमें क्या होता है? ये आपका बेनिफिशियल विंड है। क्या है? बेनिफिशियल विंड है, ये आपका बेनिफिशियल विंड है। इसमें है, ये जो है हॉट विंड है, और ये लोकल इंपॉर्टेंस देता है एल्प्स में, एल्प्स माउंटेन में ये लोकल इंपॉर्टेंस देता है। कहां पर? एल्प्स माउंटेन में, ठीक है। ये स्ट्रांग होता है, डस्टी होता है, ड्राई होता है। क्या होता है? स्ट्रांग होता है, डस्टी होता है और वार्म होता है। वार्म, स्ट्रॉन्ग, डस्टी और वार्म होता है। ये जो होता है आपका विंड कितने बिटवीन होता है? ये 15 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 20 डिग्री सेल्सियस तक। कहां से? 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये जो होता है हेल्पिंग करता है, हेल्प्स करता है, ये किसमें? एनिमल के ग्रेजिंग में। ये हेल्प करता है एनिमल के ग्रेजिंग में और मेल्टिंग ऑफ स्नो में, और मेल्टिंग ऑफ स्नो में, एज वेल एज ये करता है
हेल्प करता है राइपनिंग्स ऑफ ग्रेप्स। अरे ग्रेप्स होता है ना, ग्रेप्स जैसे पकता है ना हमारा अंगूर, वो हेल्प करता है इसमें। बात समझ में आ गई? इसमें हेल्प करता है, इसी में हेल्प करता है। कौन सी विंड? मॉइसन, फोइन और फॉइल्स। ये हॉट विंड होता है, बात समझ में आ गई? और ये मेल्ट करता है। अरे हॉट होगा तभी तो मेल्ट करेगी, आइस ऐसे थोड़ी मेल्ट कर जाएगा। ठंडा हवा, जैसे मान लो एग्जाम्पल समझो कि बर्फ है, हम फ्रीज से बर्फ निकालते हैं, ठीक है, और फ्रीज से जैसे बर्फ निकालते हैं उसको वॉर में छोड़ते हैं, तो वॉर में क्या होता है? हीट होता है, और जैसे हीट होता है वो पिघलना स्टार्ट होता है। सेम कंडीशन यहां पे होती है, सेम कंडीशन यहां पर होती है। एक होता है, फिर अब आगे फोइस विंड देख लिए, अब आगे चलो देखो, एक होता है मिस्ट्रियल विंड, आगे चलो वही देखेंगे। मिस्ट्रियल विंड में क्या होता है? ये हार्मफुल होता है। ये क्या होता है? हार्मफुल। कौन सा है? ये हार्मफुल विंड है। ये फ्लो करता है आपके एल्प से लेके ओवर फ्रांस, एल्प ओवर फ्रांस। कहां तक जाता है ये? मेडिटेरियन सी। किसकी तरफ? मेडिटेरियन सी की तरफ, मेडिटेरियन सी की तरफ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? बहुत ठंडा होता है, इट्स वेरी कोल्ड। छम छम बरसा पानी, वेरी कोल्ड एंड ड्राई। और इसकी स्पीड बहुत तेज होती है दोस्त, इसकी स्पीड अब ऐसे बोलने थोड़ी पता चलेगा, बहुत तेज होती है, समझ नहीं आता, महसूस होता है, फील्स, फीलिंग आती है हाई स्पीड के साथ। क्या आती है? फीलिंग आती है, फीलिंग, ठंडी ठंडी हवा। पोलर रीजन में चले जाओ, कितने ब्लॉग्स देखो ना यूट्यूब पर, जाते हैं सब घूमते हैं रीजन्स में, वहां पर जाते हैं, बैठ जाते हैं ठंडे ठंडे कोट और ये सब पूरे पहन के, क्यों? इसी से बचते हैं। किससे बचते हैं? हाई विंड आती है, हाई स्पीड से विंड आती है, उसी से बचने के लिए सब मास्क और ये पूरा टोपी चश्मा पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, ठीक है। और यही फ्रांस में, यही फ्रांस में ब्लिट्स की फॉर्म में आती हैं, यही फ्रांस में साउदर्न फ्रांस में ये ब्लिट्स फॉर्म्स करते हैं। किधर? साउदर्न फ्रांस में, यही आपके साउदर्न फ्रांस में ब्लिट्स की फॉर्म करते हैं। अब ये चीज देखो कि हवा जब हम ठंडे इलाके में जाते हैं तो अलग अलग वार्म होती है, वहां पर ठंडी हवाएं चलती हैं जिससे हमारी बॉडी पूरी तरीके से कूल्ड चिल्ड हो जाती है और हमारा खून जमना चालू हो जाता है। खून जब जैसे जमा खून जमना चालू हुआ वैसे आदमी ऊपर सीधे, कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। चलो आगे, अब आगे देखते हैं, एक और है जिसको बोलते हैं हम सिराको। क्या बोलते हैं? सिराको विंड। ये भी आपका हार्मफुल विंड है, सिराको भी आपका हार्मफुल विंड है। ये कहां से होता है? ये मेडिटेरियन सी। कहां पे? मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। कहां से आता है? सहारा से आता है, सहारा। और एक कहां जाता है सहारा से आने के बाद? ये जाता है आपके स्पीड से जाता है किधर? नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ यूरोप में जाता है। उसके बाद से ये जो होता है डस्टी एयर कंडीशन आता है, डस्टी, डस्टी ड्राई एयर कंडीशन होता है। किधर? ये नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। किधर? नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में। स्टॉर्म लाता है मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी में क्या लाता है? स्टॉर्म लाता है। और कूल और विट कहां करता है? यूरोपियन कंट्रीज में। किधर? यूरोपियन कंट्रीज में। तो मेडिटेरियन सी में क्या होता है? स्टॉर्म, हार्मफुल विंड होता है, सहारा से चलता है। सहारा से क्या? नॉर्दर्न अफ्रीकन, नॉर्दर्न अफ्रीकन से चलता है। किधर से? नॉर्दर्न अफ्रीकन। कहां से जाता है? साउदर्न ड्राई, साउदर्न यूरोप तक जाता है, ठीक है। और ये जो होता है आपका हार्मफुल विंड होता है, ठीक। तो चलो एक फिगर के थ्रू सबको देख लेते हैं, आओ। न्यू इंडिया मिनिस्ट्रियल कहा था, इसके पहले मिनिस्ट्रियल कहा था, देखो ये चिनुक विंड, पूना पेम्परा, ये नीम है, नॉर्वेस्टर, योमा, ये आपके जापान। और लिस्ट जो है मैं आपको दे दूंगा, लिस्ट आपको बता दूंगा
कौन कौन से वार्म विंड होते हैं और कौन कौन से आपके, अब चलो आगे देखते हैं वार्म विंड और कोल्ड विंड, बना देता हूं वार्म इधर रखते हैं कोल्ड आपका, पहले कोल्ड और इधर वार्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कोल्ड में आपका, ये होता है पेम्पेरियो, फिर ग्रेगल, बोरा, फिर मिस्ट्रियल और आपका होता है ट्रेमोनेंट। ये क्या है कोल्ड विंड है, फिर आपका वार्म क्या है फियोन और फॉन चिनुक, ये आपका वार्म विंड है। जोंडा, जोंडा वे, जोंडा हुंडा नहीं जोंडा, ठीक है। फिर क्या है लू, फिर क्या है सिराको। तो ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया आपको, ये सब आपको डिस्कस कर लिया, कूल भी आपको बता दिया, कोल्ड भी आपको बता दिया, कोल्ड कहां कहां है और वार्म कहां कहां है, ठीक है। तो अब मेरे फ्रेंड्स विंड्स और विंड्स टाइप टॉपिक्स यहीं पर खत्म होता है, आगे हम जो टॉपिक लेके आएंगे आप समझोगे, मींस पीछे की टॉपिक्स आप कवर करके ही आगे के टॉपिक्स आप देखना, ठीक है। और जो भी डाउट्स आपके लग रहे हैं लेक्चर्स से रिगार्डिंग, बार बार ये चीज बोलता हूं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट, इस नंबर पे आप मैसेज करो 9793970888। रिंचे रनिंग में चल रहा होगा, बट आपको मैंने एक बार बता देता हूं, कोई भी लेक्चर के रिगार्डिंग डाउट हो, आपको कोई भी डाउट हो, इस नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप करो, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।